Welcome you all to this Valentine week, and today we will be talking about on your medical dream, how to shape your medical success and everything. And here with us, I am Dr. Devajyoti Kaur, on behalf of Team PrepMed, and with me, the stalwart of the medical science, Dr. Sumit Shetty, the director of Delhi Institute of Medical Sciences. As I know, sir, you had a fantastic rank in AIPMT as well, as much as I know. So, sir, I want that. What's your experience, sir? At your time, I know AIPMT was it was not NEET UG. It was something different examination that was NEET AIPMT. Right now, it is NEET UG. So, sir, what's your experience at that time of AIPMT? See, one of the things that has now changed, and मुझे लगता है जो एक सबसे important change है, जो पहले हमारे time पे दो exam होते थे, एक state level पे और एक central level पे. और स्टेट लेवल पे हर स्टेट का एक अलग अलग लेवल पे डिफिकल्टी लेवल पे एग्जाम होता था. मतलब अगर आप केरला स्टेट का एग्जाम लिख रहे हो तो अलग डिफिकल्टी होगा, दिल्ली स्टेट का लिखोगे तो अलग होगा, यूपी का अलग लेवल पे होता था, और एक कंट्री वाइड एग्जाम होता था जिसको हम ऑल इंडिया पीएमटी कहते थे. नीट आने के बाद वो स्टेट लेवल के जो मल्टीपल एग्जाम्स होते थे वो हटा के एक सिंगल एग्जाम कर दिया गया जो नीट यूजी है, और सेम ही चेंज उन्होंने नीट पीजी के लिए भी किया. तो ये दोनों ही जगह पे सिंगल एग्जाम लेके आ गए, सिर्फ उसमें से सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स को एक्सक्लूड कर दिया. अभी हमारे वाले सेक्टर के अंदर पीजी के अंदर जो एम्स का या पीजीआई चंडीगढ़ है या हमारा जिपमर का एग्जाम, वो अलग होता है, बाकी कॉमन है. तो उससे थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन हो गया. लेकिन अगर मैं अपने टाइम की तरफ भी देखता हूँ, एंड आई थिंक यू नो लॉट ऑफ यू विल रेजोनेट, द स्टेट पीजी एग्जाम्स एट माई टाइम वर मोर ऑफ यू नो रैंडम डिफिकल्टी लेवल. लेकिन जो AIPMT होता था वो NCERT के लेवल पे ज़्यादा आता था, एंड दैट इज़ वेयर टुडे आई थिंक इवन इन नीट यूजी आई थिंक दैट NCERT प्लेज अ बिग रोल के जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स हैं. Yes, most of the students, a very common question to all the young budding doctors, that they want to ask, sir, what we will get and what our attitude should be when we will become a doctor, even before becoming doctor and after becoming doctor. बिल्कुल ठीक है, आई थिंक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देवज्योति आपका, और आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो चैट में हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही हम जब क्लास 12th में या क्लास 11th में हम जब मेडिकल के बारे में सोचते हैं और हम सोचते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, तो एक हमें आइडिया हमारे को सेल कर दिया जाता है कि एक बार बस मेहनत करनी है, इसके बाद बहुत ही इन्जॉय होगा और इसके बाद ज़िंदगी आसान हो जाएगी, एंड यू नो एक बार मेहनत करनी है. सो वी ऑल स्टार्ट लुकिंग एट कि मेडिकल करियर जैसे कोई एक डेस्टिनेशन हो जहाँ हमें पहुँचना है. जबकि जब आप वहाँ पहुँचेंगे, एंड मैं चाहता हूँ कि ये ओरिएंटेशन आपका आज ही हो पाए, जब आप वहाँ पहुँचेंगे आप देखेंगे ये तो एक जर्नी का शुरुआत है. जिसको आप डेस्टिनेशन समझ रहे हैं, जिसको आप मुकाम समझ रहे हैं, वो एक्चुअली आपकी जर्नी की शुरुआत है. और अभी तक जो भी आपने सीखा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो एकदम अलग है. जो हमें अभी मेडिकल साइंस में पढ़ना है वो उससे बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना है. तो पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ, माइंड सेट को रीट्यून करना है. हमें एक डेस्टिनेशन माइंड सेट से हटते हुए हमें जर्नी माइंड सेट में जाना है. जर्नी माइंड सेट में क्या होता है कि मुझे पता है कि ये मेरा अब जो जिंदगी का सफर है, जो जर्नी है, ये एक डॉक्टर की तरह बीतेगी. नाउ इसमें अब ऐसा नहीं कि बस 2 साल होंगे खत्म होगा, 3 साल होंगे खत्म होगा. और कई बच्चे, लेकिन मैं देखता हूँ कि वो पीएमटी वाले माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाते. वो सोचते हैं बस एक बार पीजी मिल जाए फिर जिंदगी सफल हो जाएगी, फिर वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अभी भी सफल नहीं हो रही है, अभी फिर डीएम मिल जाए तो सफल हो जाए. मतलब ये डेस्टिनेशन से हमें हटना पड़ेगा. दूसरी बात जो है, मेडिकल साइंस में एक वर्ड है साइंस, यानी इसके अंदर हमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा. जो भी आज तक के मतलब रिसर्च के द्वारा और हमारे एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा जो हमें पता है, हमें मतलब मेडिकल साइंस का मतलब क्या है, आपको पहले नॉर्मल सिखाएंगे. नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल एनाटॉमी मतलब कि हमारे बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, पहले नॉर्मल सीखेंगे, फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी सीखेंगे, नॉर्मल उसका बायोकेमिकल बेसिस सीखेंगे. यानी हम पहले नॉर्मल से शुरू करते हुए फिर हम बीमारी की तरफ जाएंगे. बीमारी में भी हमारे पास एक ब्रिज होगा. जैसे हम जो नॉर्मल कह रहा हूँ मैं, जिसे हम एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी कह रहे हैं, इसको बोलेंगे प्री क्लिनिकल. और वहां से हम आपको धीरे धीरे क्लिनिकल पे लेके जाना है, जहां पे आपने मरीज को ट्रीट करना है. तो बीच में एक ब्रिज होता है जिसको हम कहते हैं पैरा क्लिनिकल्स, जहां पे पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आएंगे. तो आपको इस जर्नी के अंदर पहले तो नॉर्मल सीखना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या है. हम मतलब क्योंकि साइंस है, मतलब आपने अगर आप इस बात को एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक वंडर के साथ, एक मतलब एक जैसे आप क्लास 4th में थे ना, जब आप क्लास 4th में थे, 5th में थे, और कोई भी चीज आप जानते थे कि जुपिटर प्लैनेट है, आप कितने एक्साइटेड हो जाते थे.
उसी एंथुसियाज्म के साथ जब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में डिटेल में सीखेंगे, जब आप डिसेक्शन हॉल में पहली बार जाएंगे। अब या तो आप उसे काम सोच लो, अगर तो आपने सोच लिया कोई काम है फिर बात नहीं बनेगी, या आपने सोच लिया बस मैं यहां तक पहुंचना था, नहीं आपने यहां सीखना है। तो जब आप उसको जब सीखोगे तो आप हर दिन आपको ऐसी यूरेका मोमेंट मिलेगी, आप बोलोगे वाओ मजा आ गया मैंने ये सीखा। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आप सीख जाएंगे। So this is all about the time, beta. Don't worry. With the time, you will learn these things. इतना मतलब सोचो मत. अभी सिर्फ अपने जो focus है, exam को crack करना है और फिर कोई अच्छे medical college में जाना है. ये आपके goal है और इसी को main goal बना के चलो. Don't worry, सब हो जाएगा with time. Keep you believe in yourself. एक question पूछा बच्चन है. Sir, I feel illness when I go to hospitals due to environment. How will I manage this thing in future? आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम नॉन मेडिकल जो लोग जो होते हैं वो हॉस्पिटल जाते हैं वो घबरा से जाते हैं, लेकिन अब हम पूरी जिंदगी हॉस्पिटल जा रहे हैं हमें तो पता ही नहीं चलता, तो अक्लमेटाइजेशन हो जाती है। समय के साथ आप जाते हैं, आपका वो आपका काम की जगह बन जाती है, तो यू गेट यूज टू इट। वो आप घबराए नहीं इस बात से, आपको ऐसा लगेगा शुरू में वो, लेकिन हमें भी लगता है अगर मैं किसी फैक्ट्री में जाऊं तो मुझे अजीब लगेगा, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उसको ठीक लगता है। तो हॉस्पिटल को आप ये सोचिए आपके काम करने की जगह है आपके लिए, मतलब मैं तो आपको धीरे धीरे आदत हो जाती है उससे, मतलब मुझे लगता है इस बात से आपको घबराना नहीं चाहिए अगर आप मेडिकल करियर परस्यू करना चाहते हैं। सर एक क्वेश्चन है, रिपीटर्स लोग सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार। एक क्वेश्चन सर, इट इज वेरी मोनोटोनस फॉर रिपीटर्स। आई थिंक सर फॉर नीट यूजी नीट पीजी फॉर ऑल द कैंडिडेट्स इट्स अ कॉमन क्वेश्चन, इट्स रियली मोनोटोनस। एंड हाउ टू ओवरकम दिस मोनोटोनी, हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंज एंड ऑल द एडवर्सेस दैट वी एवरीडे फेस व्हेन वी आर रिपीटर्स। सर प्लीज देखो, पहले तो मैं तीन चीजें बतानी है इसके अंदर कि अगर हम सपोज एक एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं तो क्यों करें। वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो सपना था हमें नहीं मिला हमें, लेकिन मेरे लिए वो सपना बड़ा है जिंदगी में, मैं उसे फिर भी परस्यू करना चाहता हूँ। तो पहले मेरा कारण ठीक है कि हाँ मेरे सपना मेरे लिए जरूरी है, मैं इसलिए परस्यू कर रहा हूँ। तो अगर ये बात ठीक है तो फिर अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। कोई एक साल पहले पहुंचा कोई एक साल बाद पहुंचा, इससे कोई खास जिंदगी में लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना मत घबराओ कि ये तो मेरे से पहले पहुंच गया ये पता नहीं क्या कर ले, कुछ नहीं होगा, एक साल बाद आप भी पहुंच जाएंगे। तो पहले तो पर्सपेक्टिव को ठीक कर दो कि मुझे दूसरों से कंपेयर नहीं करना अपने आप। दूसरी बात जो मैं चाहता हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम क्या आती है, जब तक जैसे सपोज करो मैं एक इंटर्न हूं या ट्वेल्थ क्लास में पढ़ता हूं, उस समय के समय मैं अगर पहले ही अटेम्प्ट में निकाल देता हूं अपना रैंक तो मुझे पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा बाकी दुनिया में भी मैं स्कूल कॉलेज भी चल रहा था, मेरा एक रिदम भी चल रही होती। जब हम ड्रॉप करके खाली हो जाते हैं एक बार, तो एक बार क्या होता है कुछ भी नहीं है करने के लिए, तो एकदम से रिदम डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि बहुत मोनोटोनस हो गया, जैसे बच्चे ने पूछा भी है। तो उसके लिए मुझे लगता है रीडिंग रूम है, लाइब्रेरी है, इस तरह की जगह अगर आप जाएंगे तो एक रिदम को आर्टिफिशियली क्रिएट करना चाहिए। मैं कैसे करता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे 6 महीने पढ़ना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं एक पास में रीडिंग रूम या लाइब्रेरी को पकड़ूंगा जहां मैं अपना टाइम फिक्स करूंगा कि 9 बजे यहां पहुंचना है और फिर मुझे ये पढ़ना है, ब्रेक लेनी है, खाना खाना है और रात को 9 बजे वापस आना है। ऐसा करके मैं एक रिदम बना लूंगा जिससे मुझे वो मोनोटोनी ना आए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे ज्यादातर इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम MCQ पैटर्न पे होते हैं, तो आपको अपना थ्योरी और MCQ प्रैक्टिस को बैलेंस करना है। अगर आप एक तरफ ज्यादा आ जाओगे आपको मोनोटोनी लगेगी, जैसे कई बच्चे होते खाली थ्योरी पढ़ते रहते हैं, तो अब अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो क्या होगा, आपको मोनोटोनी लगेगी। खाली MCQ कर रहे हो तो फ्रेगमेंटेड हो जाती है बात, क्योंकि MCQ में तो जितना पूछा वही है लेकिन उसके बीच में कारण क्या है आपको नहीं पता, तो फ्रेगमेंटेड हो जाती है। उसको बैलेंस करके रखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये बैलेंस 60-40 है, 60% कॉन्सेप्ट, 40% MCQ, लेकिन अलग अलग बच्चों का अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर बैलेंस करके चलते हैं तो उतना मोनोटोनी नहीं होती। अगर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, अगर सपोज मैं अभी कॉलेज भी नहीं जा रहा, स्कूल भी नहीं जा रहा और मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं और मुझे मोनोटोनी लग रही है, तो एक रीडिंग रूम या एक लाइब्रेरी की कंपनी को बनाने से भी फायदा होता है। उसी प्रकार जैसे डैम्स में भी मैं देखता हूं कि हमारे यहां जो बच्चा को रिपीट करा होता है तो वो कई बच्चे पूरे देश से, देवज्योति को पता है, वो दिल्ली में जैसे गौतम नगर में एक हमारे जगह में जहां रीडिंग रूम्स भी हैं और जहां पे क्लासेस, तो कई बच्चे वहां आके पढ़ते हैं कि रिदम भी बन जाएगी। और ऐसे और बहुत सारे बच्चे मिलेंगे जो वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर
एक बॉन्डिंग भी क्रिएट हो जाता है। यस सर एग्जैक्टली, हम भी यही प्लेसमेंट में यही करते हैं क्या, जितने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को बच्चे को लेकर बैच बनाते हैं, क्योंकि एक स्टेट का बैच से वो लोग कंपेयर नहीं कर पाएगा क्या मेरे स्टेट में क्या चल रहा है दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है। तो एक कम्पिटिटिव जो माहौल होता है बच्चे लोग को वो एंजॉय करना चाहिए। दिस इज लाइक इट्स नॉट ए वन डे गेम, जैसे आपने सर ने ऑलरेडी बताया इट्स नॉट ए वन डे गेम, इट्स लाइक ए जर्नी एंड एवरी डे चेंज होगा, कभी अप्स होगा कभी डाउन होगा, बट यू शुड कैरी ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। सर प्लीज एनी क्लोजिंग मैसेज फ्रॉम योर साइड। देखो मैं ना यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मैं देना चाहता हूँ सभी बच्चे जो स्कूल में आज अगर नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं या इस साल उनका नीट यूजी में रैंक भी आया, तो आपने ना एक अपना वाई अंदर से टटोलना है। एक ना इंडिया में एक हम कई बार गलती कर रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि ये हम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं, आप करियर अपने लिए बना रहे हैं। इस बात को ना भूलें कि आपका वाई क्या है, उसको डिफाइन करने की कोशिश करो, मतलब कोशिश करो आप, मैं जानता हूँ आपकी उम्र कम है लेकिन इतनी कम भी नहीं है कि हम सोच ना पाए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम अभी 10 साल के बच्चे, ऐसा तो नहीं ना, 18 साल वोट देने के लायक भी बन जाते हैं कई बार हम 18 साल के होने के बाद, तो ऐसा ना हो कि हम अपना वाई एक बार जरूर टटोलते रहिए और उसको अपने दिमाग में सोचो कि मेरे जिंदगी का वाई क्या। सपोज करो कि आपका मेडिकल एजुकेशन में आने का, डॉक्टर बनने के पीछे कुछ कारण आपने सोचा, आपका कोई वाई है, उस वाई को एक अपने चिट में, इनविजिबल चिट में डाल के, जेब में डाल के रखें, ये बहुत काम आएगा आपको, क्योंकि जर्नी मुश्किल भी है लंबी भी है, लेकिन आप बोलो कि कोई जर्नी आसान है, आसान कुछ भी नहीं, कोई भी चीज़ जो पाने लायक है वो आसान हो ही नहीं सकती, नहीं तो मतलब आसान मैं कैसे, मैं मेरे को कई बच्चे कहते हैं आसान आसान तो लॉटरी हो सकती है लेकिन मैंने किसी की लगती हुई नहीं देखी है ना, बाकी सब में मेहनत करनी पड़ती है। तो मेडिकल करियर भी उसी प्रकार से करियर एक स्किल है, टाइम लगेगा, सीखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा इसमें, जब आप आगे बढ़ोगे कई बार आपको सेल्फ डाउट आएंगे, कई बार आपको गुस्सा आएगा, कई बार आपको दर्द होगा, कई बार डिफीट होगी, कई बार आप सही नहीं कर पाएंगे, मतलब और आगे पेशेंट मैनेजमेंट में भी आपसे गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होगी। तो हर बार आप मायूस होके, कई बार आपको लगे मैं छोड़ दूं यार नहीं कर पाऊंगा यार मुझसे नहीं हो रहा, आप गुस्सा दोगे, आप ट्विटर पे लिखोगे, जूनियर 10वीं के पढ़ रहे होंगे आपको, आप लिखोगे बेकार है मेडिकल साइंस, बाकी पढ़ रहे हैं क्या बेकार है, ऐसा नहीं है, वो आपका मोमेंटली आउटबर्स्ट होगा। लेकिन अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो बार बार उस वाई को देखोगे, अपने आप को रिकैलिब्रेट करके वापस अपने ट्रैक पे आ जाओगे। अगर वो वाई नहीं बनाओगे तो दुनिया भटका देगी, तो बीच में आपको लगेगा कि पता नहीं मेरा पर्पस क्या है। मैं समझ रहे हैं आप, ये लंबी जर्नी के अंदर यही परेशानी होती है, लंबी जर्नी है। मेडिकल साइंस एक कॉम्प्लिकेटेड साइंस है, ये छोटा काम नहीं है कि कल आपने किया परसों आप सीख गए, कोई हमने मतलब समझ रहे, अब हजारों करोड़ों बीमारियां हो सकती हैं, हजारों नॉर्मल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं जो हम पूरी तरह जानते भी नहीं आज, तो उसको पढ़ने में समय तो लगेगा सीखने में। तो एक अपना एक वाई बना लो और उस अपने आप को पीरियोडिकली उसको रिमाइंड कराओ, वो आपके कंपस की तरह एक्ट करेगा, आपको बार बार जब भी आप भटकोगे आपको ट्रैक पे ले आएगा कभी कभी। और दूसरी एक मेरी और पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि एज अ पेरेंट भी जब मैं सोचता हूँ, तो एक हमें अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं भूलना, क्योंकि एक सपने भी आपने देखे, आपने परिवार रिश्ते सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप अपनी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना कर दें। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो अवॉइडेबल है वो है कोई भी तरह का ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो स्मोकिंग है, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो आपके यहाँ पे फैशनेबल भी माना जाए, वो फैशनेबल नहीं है, वो एक पीयर प्रेशर है, आप उस चक्कर में ना जाएं। मैंने बहुत सारे बच्चे मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके देखे जो इन चक्कर में, इस कारणों के कारण अपने हेल्थ को या करियर को ट्रेंडी लगने के लिए, कूल लगने के लिए सेक्रीफाइस कर देते हैं। हमें मतलब पता नहीं इसको मैं कह सही लफ्जा मैं अल्फाज ला पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन ये मैं चाहता हूँ आप इसको जरूर सुने कि मैं अपने आप को कूल मानता हूँ, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो एग्जाम दिया वो ऑल इंडिया रैंक टॉप 5 लाया हूँ, मैं टॉप 5 के अंदर हमेशा लाया हूँ, मैंने जो बिजनेस शुरू किया पूरे इंडिया में उसके ऑफिस खोले, मेरा जो मोबाइल ऐप है उसमें 5 लाख से ऊपर डॉक्टर आज डॉक्टर्स उसके अंदर पढ़ते हैं। तो लेकिन मैं कूल बनने के लिए किसी पार्टी में जाके ड्रिंक नहीं करता, मुझे कोई कूल बनने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में कूल हूँ। ये आपने अपने आप को याद कराना, आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, अपने आप में कूल है, आपको कोई किसी के साथ कोई पीयर प्रेशर में किसी दबाव में आके कहीं भी जाके अपने, क्योंकि फिर करियर अगर हेल्थ ही नहीं रहेगी तो फिर करियर कैसे हो पाएगा, मैं आप समझिए बात को। तो ये मेरे कुछ एडवाइसेज हैं जो मैं चाहता हूँ लॉन्ग टर्म में आपको फायदा करेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि तो सर ऐसे ही कह रहे हैं, क्योंकि आज इसे ऐसे एक प्रमोट किया जा रहा है बच्चों के अंदर कि यार ये जाके बार में बैठेगा तो कूल होगा। मैं कह रहा हूँ डाइसेक्शन हॉल में जाएगा तो कूल होगा ना,
जब वो डॉक्टर बनेगा, आगे बड़ा काम करेगा तो कूल होगा। तो ये अपने दिमाग से, ये जो आपके पीयर प्रेशर आपके लिए कूल की जो डेफिनेशन बना देते हैं उसमें मत आए। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जो मुझे 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 कूल नहीं लगता तो मैं नहीं करता, चाहे कोई कुछ भी कहे। कई बार मेरे दोस्त यार कहते हैं तू तो कहीं नहीं आता यार, तू तो किसी पार्टी में नहीं आता। मैं कहता कोई बात नहीं यार, मेरा सपना मेरा कूलनेस है, मैं वही करना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा ये एक मतलब एटीट्यूड चाहिए मेडिकल करियर के अंदर, क्योंकि थोड़ा लंबा करियर है, अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, नहीं तो बड़ी चीज नहीं आता। एकदम सही बात है, एकदम सही। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स मिले बच्चे लोग को एट एंड में भी, और सब लोग ये जो जो भी हम लोग डिस्कशन किए इसको याद रखना, क्योंकि आप लोग के जो अपकमिंग डेज है बेटा उसमें ये बहुत काम में आएगा। वॉट एवर वी हैव शेयर दैट इज नथिंग बट द एक्सट्रैक्ट ऑफ आवर लास्ट 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, और सुमे सर का तो लास्ट 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। सो विद दिस यू विल बी डेफिनेटली एनरिच्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशंस, and we had a wonderful time, and I think we have helped many medical students and future doctors. Thank you so much sir, thank you students for joining, and I also want to thank you all the back-end crew members of Team PrepMed who are helping us constantly to continue these sessions flawlessly and to take the questions from the students. And thank you Dr. Sumit Shetty, thank you DAMS for this amazing sessions and providing the proper scope to our students so that they can ask the questions and get answers. Thank you so much sir, have a wonderful thank you time. Thank you for having me, and I wish all the bachas best of luck, stay positive, keep moving forward. Aapka sapna aapka hai, uske taraf badhte chalo, wahi true coolness. Best of luck everybody, best of luck.